हमारे मंत्री के पुत्र कौशलेश तिवारी तिवारी लाल को देते हैं सोना। भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं का अपमान करके उनको खून के घूंट पीने पर मजबूर कर दिया गया, और बाहर से प्रत्याशी जो तीन पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को गाली दे रहा था, उस परिवार के प्रत्याशी को लाके टिकट दिया गया। मैं अलग ढंग से काम करता, अलग ढंग से सोचता, जनता को मैं 5 वर्ष में ही पर्यटन के जो है तो नक्शे पर जो है ला दूंगा कि प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र चौथर बनेगा। 11 करोड़ कार्यकर्ता की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, और जब चुनाव की बात आती है तो 230 प्रत्याशी उसे घोड़े नहीं मिलते, स्वार्थी और सत्ता लोगों के तलवे चाटने लगती है। मैं जो बात कहूंगा तो उसे 100% नहीं, मतलब 110% उसको करने का प्रयास करूंगा जहां तक मेरी पूरी ताकत रहेगी। चुनाव लगातार मांगे होते जा रहे हैं, इससे आपकी क्या राय है? ये चौथर से परिवर्तन की आग उठी है, वहां से जो है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्कोप हैं पहाड़ पर से। नमस्कार, आपका दर्द खबर न्यूज में स्वागत है, मैं उमेश सिंह। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने वाले हैं जो जमीनी स्तर से उठे हैं राजनीति में और अपनी राजनीति में एक अलग छवि छोड़े हैं, देवेंद्र सिंह जी से, जो वर्तमान समय में ज्योतर से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जी देवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी आप इस समय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप बीजेपी में थे, तो अचानक आपका इस पार्टी में आना या किस कारण से ऐसी चीजें बनी, ऐसी स्थिति बनी कि जो आप भाजपा छोड़ के बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए? ज्योतर की राजनीति में एक विचार लाया, जो परिवार तीन पीढ़ियों से पानी पी के संघ परिवार और बीजेपी को गाली देता था, तरह तरह के ताने मारता था, वो परिवार ज्योतर की धरती पर भाजपा का प्रत्याशी बन के आ गया। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता जो बरसों बरस की मेहनत के बाद, तपस्या के बाद पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाए कि चौथर में 35 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, तो उन प्रत्याशियों को, उन कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को घोर निराशा हुई थी। कांग्रेस के टिकट उसे नहीं दिया गया, उसे परित्यक्त किया गया, वो प्रत्याशी अपने भाजपा के प्रत्याशी बन के आया। 11 करोड़ कार्यकर्ता की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, और जब चुनाव की बात आती है तो 230 प्रत्याशी उसे घोड़े नहीं मिलते, स्वार्थी और सत्ता लोगों के तलवे चाटने लगती है। वैसे परिस्थिति में भाजपा का परित्याग करना मैंने बेहतर समझा, त्योथर के सम्मान के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने हर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। हमेशा आप क्षेत्र में सक्रियता आपने दिखाया, समाज सेवा से रिलेटेड सारी चीजें, हम इनसे बात करेंगे जमीनी स्तर से कि कैसे ये राजनीति में कैसे आए, आप राजनीति में राजनीति की शुरुआत आपकी कैसे हुई? राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं साधारण शिक्षक परिवार का साधारण व्यक्ति था, व्यवसाय भी मेरा पेशा नहीं था, लेकिन जब व्यवसाय आया तो पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में, नहीं पूरे देश में मैंने अपने नाम, अपने ब्रांड का जो है तो सिक्का जमाया। तो इत्तेफाक था कि नौकरी छोड़ के मैं राजनीति को व्यवसाय में आया, और इत्तेफाक ही कहेंगे कि मतलब मैं स्वभाव से सामाजिक कार्यकर्ता था, समाज के हर परिस्थिति में, दुख में लोगों की मदद के लिए मेरे से संभव होता था तो मैं करता था, और वही भावना मुझे जो है तो राजनीति में खींच लाई। 2014 में जो देश में परिवर्तन की लहर चल रही थी तो मोदी जी की रीत नीति से मैं प्रभावित था। मेरे स्कूल के कार्यक्रम में माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी मुख्य अतिथि के रूप में भरत सिंह का जो प्रोग्राम स्कूल में करते हैं 23 मार्च के उनके पुण्यतिथि पर उस पर आए थे, तो उन्होंने मुझे बुला के शिवराज सिंह के सामने, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान और
संगठन महामंत्री अरविंद जी के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति मुझे भाजपा ज्वाइन कराई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रीत नीति से चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण हो, चाहे रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम भाजपा के प्रोग्राम के साथ रिलेट करता था। चाहे युवा खेल महोत्सव हो, हर प्रोग्राम में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और त्योथर मेरी जन्मभूमि है, त्योथर की धरती का लोगों को सक्षम बनाने मजबूत बनाने के लिए मैंने शुरुआत किया रक्षाबंधन कार्यक्रम का। 7 वर्ष से अनवरत रक्षाबंधन कार्यक्रम चला जिसमें त्योथर की महिलाओं से मैं रक्षाबंधन कराने के बाद राखी बंधवाने के बाद 3 वचन लेता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने परिवार को नशा मुक्त करिए। तो गंदगी मुक्त, अशिक्षा मुक्त और नशा मुक्त समाज की कल्पना, अपना सपना सुंदर त्योथर मैंने एक नारा दिया है। उस नारे को लेकर मैं त्योथर की धरती पर गया था और धरती पर मैंने इस ढंग के कार्यक्रम बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण लोग करने लगे देवेंद्र बने श्रमण। तो ये योजनाएं युवाओं के लिए मैंने खेलकूद शुरू किया। तो काम मैं सामाजिक रूप से करता था लेकिन जनता से जुड़ने का और उनसे हर काम में एक उद्देश्य रहता था। खेलकूद कराने के पीछे उद्देश्य कि लड़के मोबाइल की लत छोड़े, नशा छोड़े और युवा अगर उसके कंधे सशक्त होंगे तो त्योथर सशक्त बनेंगे और मेरा देश सशक्त बनेगा। फिलहाल राजनीति में तो आपने एक अलग छाप छोड़ी है, जिस पार्टी में आप जाते हो लोगों का रुझान उसी तरफ बढ़ जाता है। यदि आप राजनीति में आते तो आप दूसरा कार्य क्या करते? दूसरा कार्य तो मैं कर ही रहा था व्यापार जो है, तो मेरा महाराजा ग्रुप कंपनी महाराजा ग्रुप एसोसिएट्स के नाम से फर्म है और पूरे देश में जो है तो मेरा एक सीमेंट प्लांटों में मैन पावर सप्लाई का बड़ा काम है और बड़े ठेकेदार के रूप में मैं जाना जाता हूँ। यहाँ पर जो महाराजा पब्लिक स्कूल है अपने संभाग का प्रतिष्ठित स्कूल है, उसको मैं प्रदेश के अच्छे स्कूलों में ले जाना चाहता हूँ। ये प्रतिष्ठान मैंने 30 साल पहले शुरू किया था जहाँ स्पेशल लोग बैठे हैं। ये भी प्रदेश का पहला विवाह घर था अपने ढंग का। मैं अलग ढंग से काम करता हूँ, अलग ढंग से सोचता हूँ। त्योथर को भी मेरे को मेरा सपना है कि अलग ढंग से, क्योंकि मेरा पेशा नहीं राजनीति। मैं राजनीति नेता की तरह झूठ बोल के वादा करके नहीं जाऊंगा। मैं जो बात कहूंगा तो उसे 100% नहीं मतलब 110% उसको करने का प्रयास करूंगा जहां तक मेरी पूरी ताकत रहेगी। त्योथर को मैं 5 वर्ष में ही पर्यटन के जो है तो नक्शे पर जो है ला दूंगा कि प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र त्योथर बनेगा। चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं, इससे आपकी क्या राय है? महंगा चुनाव लोगों से लड़ा जाता है, चुनाव जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरे जनता का सहयोग से चुनाव लड़ा जाता है, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। पैसे वाले बहुत सारे हैं, अगर पैसे से चुनाव लड़ा जाता तो बड़े बड़े भामाशाह टाटा अंबानी बिरला ये सब जो है तो विधायक सांसद बनते। पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता, पैसे जनता के बीच में अपनी बात करने का तरीका होता है, किस तरीके से अपनी बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। जनता जब दिल में एक बार स्थान बना लेती है तो उसे लिए पैसा महत्वपूर्ण। आज जो स्थिति है त्योथर के कार्यकर्ता को, त्योथर की जनता को किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आज जो आपने देखा त्योथर में जन सैलाब, जो उत्साह लोगों में था वो पैसे का नहीं था। सवेरे 5 बजे से 6 बजे से लोग भूखे प्यासे जो है तो 4 बजे तक चिल्लाते रहे, 5 बजे तक चिल्लाते रहे एक सुर में, मतलब कहीं उनकी आवाज धीमी नहीं हुई। तो ये त्योथर से परिवर्तन की आग उठी है लहर और ये भोपाल तक पहुंचेगी। क्षेत्र में जा करके अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनाव में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आप अपना राय देना चाहते हैं कि चुनाव में इस तरीके से सुधार होना चाहिए? नहीं, चुनाव में सुधार लगातार होते जा रहे हैं। आप जो है तो पूरे मतपत्र के आधार पर चुनाव था, जो है तो पेशियों पर हो गया बदलाव, तो प्रकृति का नियम है चुनाव में भी होना चाहिए। जहाँ जरूरत पड़ती है तो चुनाव में बदलाव होता है।
और धन का भी जो है तो जरूरत पड़ती है लोगों की जनता तक पहुंचने के लिए। पहले साइकिल और चना इसी में जो है तो काम चल जाता था, और जो है लोग बाग चार पहिया वाहन से चलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन तो समाज में भी हुआ है। पीढ़ी में हर 5 साल 10 साल में आज इंटरनेट के युग में पीढ़ी का परिवर्तन होता है। पहले 25 साल में होता था, 5 साल में हो रहा, तो हर 5 वर्ष में परिवर्तन हो रहा है। तो चुनाव में भी जो है परिवर्तन की संभावना हमेशा रहेगी और परिवर्तन होना भी चाहिए। आप जनता से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं चुनाव में? चुनाव में जनता से अपेक्षा यही है कि मतलब तथा के भविष्य के लिए वोट करें। अभी जो है तो वोट होता था जात पात के लिए, अपना दोस्ती यारी के लिए। हमने तो कहा है कि मतलब आप घड़ा खरीदते हो तो ठोकते हो, 20 रुपए का 25 रुपए का 50 रुपए का सामान आप जांचते हो परखते हो, मेरे को भी जांचो परखो, सामने वाले को भी देखो और प्रत्याशियों को देखो, फिर तुलना करो, तो उसके बाद आप 5 साल के लिए उसके हाथों में अपना भविष्य दो। जैसे बिटिया का बाप अपना दामाद चुनता है कि दामाद लुच्चा न हो, छिनरा न हो, लबरा न हो, उसमें क्वालिटी देखता है कि बेटी दे तो उसके साथ जीवन निर्वाह करेगा कि नहीं। ऐसे जो है तो मतदाता को अपना जो है तो प्रतिनिधि चुनना चाहिए, चाहे वोट दे चाहे न दे, वो प्रतिनिधि आपका कहलाएगा तो आपके सम्मान को आपकी प्रतिष्ठा को कभी ठेस न पहुंचाएगा। तो मैं त्योथर की जनता से अपील करूंगा, कहना चाहूंगा मैं आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, त्योथर के सम्मान को सिर्फ माथे पे रखूंगा। जीवन का सबसे खुशी पल जो आप जनता से शेयर करना चाहते हैं? जीवन का सबसे खुशी पल अपना व्यक्तिगत अनुभूति होती है। हम मास्टर के लड़के हैं, हमने अपने जीवन में जितनी चीज़ें सोची लगभग लगभग मैंने हर मुकाम को इच्छा आदमी जन्म होती है नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल में कहेंगे तो मैंने अपनी बिटिया का जो ब्याह किया है, IAS दामाद मिला है, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी उपलब्धि वाला पल रहा है जो मैंने अपने बिटिया के लिए हासिल किया है। वो मेरा खुशी का भी पल था, मेरा उपलब्धि का भी पल था। जीवन का सबसे दुख का समय जो जनता से आप शेयर करना चाहेंगे? जीवन में दुख बहुत आते हैं हर क्षण, और दुख आदमी को तब होता है जब आदमी इच्छा करता है, इच्छा ही दुख का कारण है। आप जितनी इच्छाएं करेंगे, ज्यादा बड़ी इच्छा करेंगे उसके अनुरूप काम नहीं करेंगे तो दुख आपको उठाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे दुख होता है, मेरे को कष्ट आए, संघर्ष सफलता नहीं मिलती, दुख लगता है, लेकिन मैं दुगुना जज्बे से फिर से उठ खड़ा होता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य वही, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज भी जो है तो मेरे को जैसे त्योथर में बसपा का प्रत्याशी बनना पड़ा तो मेरे को ये मंजूर नहीं था कि त्योथर के प्रत्याशी जनता के नुमाइंदों को टिकट न दिया जाए, बाहर से थोपा जाए, तो मैंने लड़ने का संकल्प किया और मैंने उस पूरा करे लड़ने के लिए मैं मैदान में आया। हारूं भले, लेकिन मैं हार 17 नवंबर तक नहीं मानूंगा कि 17 नवंबर को वोटिंग के दिन तक मैं लड़ूंगा और उसके बाद मैं हथियार डालूंगा। राजनीति के बाद सबसे अधिक अपना समय किस काम में बिताते हैं, बिताना चाहेंगे अगर समय मिले तो? सुकून के पल तो परिवार के साथ ही होता है, लेकिन मेरा परिवार बड़ा है, मेरे दोस्त मेरे सबसे ज़्यादा नजदीक रहे, जिन्होंने मेरे दुख में मेरे कष्ट में मेरे मुसीबत के समय में मेरा साहस बढ़ाया, मेरा साथ दिया। तो दोस्त भी जो है कि मुझे बड़ी खुशी देते हैं, तो मैं दोस्तों के साथ ही पल बिताना चाहूँगा, खुशी के क्षण दोस्तों के साथ ही बांटे जाते हैं, दोस्त ही मेरी पूंजी है। दल बदल के बारे में क्या राय है चुनाव के समय में? दल बदल कुछ स्वार्थ में करते हैं, कुछ मजबूरी में। मेरा दल बदल स्वार्थ का नहीं, मेरा दल बदल मजबूरी का है, स्वाभिमान के लिए है, सम्मान के लिए, देवघर की जनता के स्वाभिमान के लिए, देवघर के लोगों के सम्मान के लिए। तो दल बदल मतलब जब बात उस पे आए तो टकराना जरूरी है, बात जब इज्जत पे आए तो टकराना जरूरी है,
अजिंदा हो अगर तो बतलाना जरूरी है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कायम है क्या, इस पर आपकी क्या राय है? आंतरिक लोकतंत्र जिसके कहने की चीजें होती हैं, ये बंदर बांट होते हैं और उस बंदर बांट में अपना अपना हिस्सा रहता है, जिसकी जितनी जो है तो तिकड़मबाजी रहती है और जितनी ज़्यादा उसकी पहुंच रहती है मौके का फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक दलों में जो है ये सामान्य कार्यकर्ता के लिए लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन विशेष उसके परिस्थिति में उसका जीता जागरा उदाहरण आप सिद्धार्थ तिवारी को दफ्तर के प्रत्याशी जो है भाजपा ने बनाया, तो ये जीता जागरा उदाहरण है कि लोकतंत्र कहाँ है। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है, उसके लिए आपने समाज सेवा जब किया तो उसमें कितनी कोशिश की, कितनी उपलब्धियाँ हासिल हुई या कितनी बाकी है? देखिए, समस्या तो जब तक मानव रहेगा समस्या बनी रहेगी। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क तीन समस्या है, चौथा के हिसाब से किसानों के हिसाब से जो है तो पानी, बिजली और आवारा पशु की समस्या है, युवाओं के हिसाब से रोजगार उनके लिए मुख्य समस्या है, उनको सूरत बंबई भटकना पड़ता है। तो मैंने चौथर में 10,000 लोगों को रोजगार देने का एक ब्लू प्रिंट तैयार किया था। किसानों की खुशहाली हो, बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, फिर मैंने जो है तो चौथर के व्यापार और उद्योग और युवाओं के रोजगार के लिए पर्यटन हब के रूप में तेउथर को प्रदेश के नंबर वन पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करना है, कि नदी जल का उपयोग और पहाड़ों में जो अपने धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनका उपयोग करेंगे। तीसरा जो है तो तेउथर में देउर कोठार के नाम पर नाम से विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का बौद्ध विहार रहा है, उसमें पर्यटन केंद्र के रूप में उसको डेवलप, इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट के रूप में उसको डेवलप करना है, और वहाँ से जो है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्कोप हैं पहाड़ पर से, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, इस ढंग के बहुत सारे खेलों का वहाँ से किया जा सकता है। पर्यटन का केंद्र बनेगा तेउथर तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहाड़ का उपयोग आवारा पशुओं की समस्या के लिए, जो किनारे की तराई की भूमि है उसमें जो है तो एक गौ अभ्यारण्य डेवलप करने का। वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार, वहां के विधायक भी बीजेपी से रहे हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही है, तो उसमें वो डबल इंजन की बात करके उन्होंने कहा कि हमने विकास बहुत किया, तो इस विकास को कैसे नकार के आप अपनी तरफ जनता का रुझान बढ़ाओ? भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के और उनका हाथ छोड़ के मैं बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा हूँ। बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अवसर दिया, क्योंकि 11.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी जो अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य बताती है, लेकिन अगर टिकट देने की बात आती है तो दूसरे दल के स्वार्थी सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटती है, तो हमने उस पार्टी का परित्याग करने का फैसला किया। आपकी सक्रियता अक्सर देखा गया वहाँ फील्ड में देखा गया, लेकिन आपको नकार के दूसरे को इन्होंने टिकट दे दिया, ऐसा क्या हो गया अचानक? अब ऐसा क्या अचानक हुआ, ये आप लोगों को विदित है क्या राजनीति कैसे चलती है। मैंने वहाँ लगातार 9 वर्षों तक काम किया, मैंने नहीं, तेउथर में जो है 11 लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में प्रयास कर रहे थे, मुझे न दे के टिकट अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, पुराने प्रत्याशी, पुराने विधायक को देते, हमारे मंत्री के पुत्र कौशलेश तिवारी, तिवारी लाल को देते, सोनल शर्मा को देते, प्रशांत पाठक को देते, राजेंद्र गौतम को देते, अनिल तिवारी को देते, तो मुझे मंजूर था, क्योंकि हम साथ मिल के अपना प्रयास कर रहे थे कि भाजपा ने जिसे उचित समझा उसे दिया, लेकिन हम सब लोगों को नकार के तेउथर के
भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं का अपमान करके उनको खून के घूंट पीने पर मजबूर कर दिया गया, और बाहर से प्रत्याशी जो तीन पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को गाली दे रहा था उस परिवार के प्रत्याशी को लाके टिकट दिया गया, और उसके अपमान, अपने कार्यकर्ताओं के अपमान और उनके सम्मान के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं कि त्योंथर के कार्यकर्ता, त्योंथर की जनता, त्योंथर के लोगों का सम्मान मैं बरकरार रखूंगा और जीत त्योंथर की जनता की होगी, त्योंथर के कार्यकर्ता की होगी, त्योंथर के सम्मान की होगी।